मैं योगेश चंद्र शर्मा, सह आचार्य भूगोल माणिकलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। मेरा ये व्याख्यान BA पार्ट सेकेंड आर्थिक और संसाधन भूगोल से संबंधित है। इसमें कृषि प्रदेशों के संदर्भ में बातचीत चल रही है और कल मैंने आपको कृषि प्रदेशों के संदर्भ में प्रथम व्याख्यान दिया था, आज उसके आगे का पार्ट हम देख रहे हैं। जैसा कि हमने विटलसी के कृषि प्रदेशों के वर्गीकरण के संदर्भ में देखा और उनके दोषों के संदर्भ में जो बातें कही गई, उसमें एक सबसे बड़ी बात थी कि उसमें वस्तुनिष्ठता कम है और व्यक्तिगत विश्लेषण अधिक है, और यह एक आलोचना का विषय है क्योंकि ऐसे किसी विभाजन या प्रादेशीकरण को पूर्णतया वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता और इस कारण से व्यक्तिगत विशेषताएं या व्यक्तिगत विश्लेषण जब आ जाता है तो किसी व्यक्ति विशेष का जो पॉइंट ऑफ व्यू है या उसका जो परसेप्शन है वह उस पर हावी हो जाता है। इस कारण से अन्य विद्वानों ने भी इस तरह के कार्य किए हैं, जिसमें हेलबर्न ने कृषि प्रदेशों को सीमांकन हेतु सांख्यिकी विश्लेषण के 11 आधार बतलाए हैं। यहाँ पर मैं ये कह दूँ कि सांख्यिकी विश्लेषण से अभिप्राय जो सूचनाएँ हैं वे आंकड़ों के रूप में प्राप्त की जाती है और उन आंकड़ों को का विश्लेषण करके और परिणाम निकाले जाते हैं। तो इसमें वस्तुनिष्ठता होती है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो आंकड़े इकट्ठे करेगा और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके जो परिणाम प्राप्त करेगा वह परिणाम लगभग एक जैसे होंगे और इस कारण से उसमें वैज्ञानिकता अधिक होती, उसकी स्वीकार्यता और उसकी विश्वसनीयता भी ज़्यादा होती है। तो हेलबर्न ने सांख्यिकी विश्लेषण के 11 आधार क्या बताए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें पहला उन्होंने बताया फसलों और पशुओं का संतुलन, यानी कितनी मात्रा में फसलें पैदा की जा रही है और पशु का और कृषि के बीच में जो अंतर संबंध है या उनका दोनों का जो अपना अपना जो भाग है वह कुल कृषि में कितना है, इसको आंकड़ों के द्वारा निकाला जा सकता है। फिर दूसरा है विशिष्टीकरण की मात्रा। विशिष्टीकरण की मात्रा से अभिप्राय कि आवश्यकता के अनुरूप फसलें पैदा की जा रही है या वहाँ के भौगोलिक वातावरण को ध्यान में रखकर जो बेस्ट फसलों का उत्पादन लिया जा सकता है वह लिया जा रहा है, यानी किसी स्थान विशेष पर यदि गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छे से लिया जा सकता है तो क्या पूरे क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन लिया जा रहा है अथवा किसानों के या कृषकों के आवश्यकता अनुरूप अन्य फसलों को भी बोया जा रहा है, जबकि वहाँ पर भौगोलिक दृष्टि से गेहूं उत्पादन सर्वश्रेष्ठ फसल हो सकती है। तो इस प्रकार से विशिष्टीकरण की मात्रा कितनी है किसी क्षेत्र विशेष में इसे जाना जा सकता है। फिर तीसरा है भूमि उपयोग की गहनता। भूमि उपयोग एक ऐसा प्राचल है जिससे कृषि की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है, यानी जो भूमि उपलब्ध है उसका कौन कितना प्रतिशत किस कार्य में संलग्न है उसे निकाला जा सकता है। तो भूमि उपयोग के संदर्भ में यदि हम कृषि को देखें तो जहाँ पर कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है और अगर वह 100% काम में आ रही है तो ये माना जाएगा कि वहाँ पर कृषि अपने पूर्ण विकसित रूप में विद्यमान है, और अगर ऐसी स्थिति है कि कृषि भूमि का 60% या 50% ही काम में आ रहा है, इसका अर्थ ये कि वहाँ पर कृषि कार्य कुछ मात्रा में बाधित है या किसी कारण से वहाँ पर पूर्ण उसका लाभ नहीं लिया जा रहा है। चौथा है श्रम पूंजी की सापेक्षिक मात्रा एवं भूमि के संबंध में उनका अनुपात। ये जो चर है या ये जो सांख्यिकी विश्लेषण है इसमें श्रम पूंजी की सापेक्षिक मात्रा एवं भूमि के संबंध में उनका अनुपात से अभिप्राय ये कि कृषि में कृषि के उत्पाद का यदि मूल्य निकाला जाए तो उसमें श्रम की मात्रा कितनी है, कितना श्रम वहाँ पर लगा
क्या उसका सही मूल्य उसको मिला, और जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के अंदर श्रम का भाग कितना है, इसके अलावा पूंजी का भाग कितना है, कितने इनपुट्स उसमें डाले गए हैं, खाद के रूप में, बीज के रूप में, तकनीक के रूप में, यंत्रों के रूप में, किस प्रकार से उस प्रोडक्ट को लिया गया है जिसमें तकनीक और पूंजी जो पैसा लगाया गया है उस कार्य के अंदर उसका अनुपात क्या है। फिर पांचवा है व्यापार का स्तर। व्यापार का स्तर से अभिप्राय स्थानीय रूप से उसका व्यापार हो रहा है, राज्य के संदर्भ में व्यापार हो रहा है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, इससे ये पता चलता है कि वह उत्पाद जो वहाँ पर कृषि के द्वारा लिया गया है उसका महत्व क्या है। अगर उसका महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है तो वह उच्च कोटि का स्तर माना जा सकता है। तो व्यापार का स्तर क्या है इसको भी हम निकाल सकते हैं कि जो टोटल प्रोडक्ट है उसमें से कितना भाग निर्यात के लिए उपलब्ध है, कितना भाग स्थानीय उपयोग के लिए उपलब्ध है और कितना भाग देश के अन्य स्थानों को भेजने के लिए उपलब्ध है। इसके बाद छठा है स्थायित्व बनाम स्थानांतरण। यह कृषि के प्रकारों के संदर्भ में हम इसको देख सकते हैं कि कृषि का स्वरूप क्या है, क्या वह पूर्णतया स्थायी है या वह पूर्णतया स्थानांतरित है या इसके मध्य की कोई स्थिति है, वह भी कृषि के सांख्यिकी स्वरूप को या उससे भी कृषि का सांख्यिकी स्वरूप जो है वो निर्धारित किया जा सकता है। स्थायित्व वाली कृषियाँ जहाँ पर भूमि के ऊपर लगातार कई वर्षों से खेती का कार्य किया जा रहा है और उसमें स्थानांतरण की कोई संभावना नहीं है, एक उन स्थानों पर जहाँ पर आदिम प्रकार की कृषि कार्य की जाती है जिसमें एक स्थान पर 3 से 4 वर्ष तक जंगलों को साफ करके या उन्हें जला कर कृषि कार्य किया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर उसको वहाँ से वे खाली कर देते हैं और दूसरे अन्यत्र स्थान पर कृषि कार्य के लिए चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो स्थानांतरणशील कृषि है वह कृषि का एक बहुत ही आदिम या प्रिमिटिव स्वरूप माना जा सकता है। इसके बाद आता है कृषि प्रदेश का स्तर। कृषि प्रदेश का स्तर से अभिप्राय यहाँ पर ये कि जो प्रदेश कृषि के प्रदेशों को जो सीमांकित किया गया है उसमें किस स्तर के कृषि प्रदेश हैं। लघु प्रदेश है, मध्यम प्रदेश है या बड़े प्रदेश हैं, इसके संदर्भ में उसको हम सांख्यिकी विश्लेषण के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। फिर भू स्वामित्व एक बहुत ही बड़ा इशू है। भू स्वामित्व से अभिप्राय कि जिस क्षेत्र में कृषक कार्य कर रहा है वह क्षेत्र पर उसका स्वामित्व है या किसी और का स्वामित्व है और वह एक कृषि श्रमिक के रूप में कार्य कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन पर और कृषि पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। हम इस उदाहरणों से समझ सकते हैं कि भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो पंजाब और हरियाणा के अंदर बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश और बिहार से कृषि श्रमिक वहाँ पर आते हैं और वहाँ के जो स्थानीय किसान हैं पंजाब और हरियाणा के, वे उस भूमि के स्वामी हैं लेकिन वहाँ पर कृषि कार्य करने में कृषक मजदूर जो है वो क्रियाशील है। तो इस प्रकार से उस प्रोडक्ट के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, उसका स्वरूप अधिक व्यापारिक हो जाता है, अधिक पूंजी प्रधान श्रम प्रधान हो जाता है, इसको देखने का क्या आवश्यकता है। तो इसके बाद है जिस स्थान पर कृषि कार्य किया जा रहा है, जिस क्षेत्र में किया जा रहा है, उन लोगों का जीवन स्तर कैसा है, यानी वे कितना प्रोडक्ट उसका यूज़ कर सकते हैं, कितना उसको बाहर भेज सकते हैं, उनके जीवन स्तर से ये निर्धारित होता है। भूमि का मूल्य एवं उत्पादन। भूमि का मूल्य, अगर कोई भूमि बहुत अधिक प्रोडक्टिव है और वहाँ के मानव समुदाय ने उसका अधिकतम मूल्य प्राप्त किया है तो ऐसी स्थिति में भूमि का मूल्य अधिक होने पर उसका अलग स्वरूप देखने को मिलता है और उन क्षेत्रों में जहाँ पर भूमि उपलब्ध है भूमि की उपजाऊ क्षमता भी बहुत अच्छी है लेकिन कृषि कार्य नहीं होने से या वहाँ पर प्रिमिटिव या विकासशील अर्थव्यवस्था होने के कारण उसका उपयोग नहीं हो रहा, इसलिए भूमि का मूल्य भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर नहीं होता है। और अंतिम है उत्पादन की मात्रा एवं मूल्य। इससे अभिप्राय ये कि किसी देश या किसी क्षेत्र के राष्ट्रीय बजट में कृषि उत्पादों का मूल्य क्या है और उसकी मात्रा कितनी है, इसके संदर्भ में अनेक स्वरूप हमें पूरे संसार में देखने को मिल सकते हैं। तो ये हेलबर्न ने जो 11 आधार बताए हैं इन सभी का सांख्यिकी विश्लेषण किया जा सकता है और इनके आधार पर कृषि प्रदेशों का विभाजन जो है वो अधिक
वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा और हम उस आलोचना से भी मुक्त होंगे जिसमें विट्ठल सी के लिए कहा गया कि वह व्यक्तिगत आधारों पर कृषि विभाजन किया गया। इसके बाद 1970 में एंडरसन ने विश्व की कृषि का वर्गीकरण करने का प्रयास किया और इसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि चार स्तरीय ढांचा, फोर टीयर स्ट्रक्चर उन्होंने दिया है। उसमें पहला है पारिस्थितिकी, दूसरा है निर्वाहक, तीसरा वाणिज्यिक एवं चौथा है सहकारी कृषि तंत्र। यानी कृषि के जो प्रकार हैं उन प्रकारों को उन्होंने उनके ढांचागत स्वरूप में चार प्रकार के माने, जिसमें पहला पारिस्थितिकी है, दूसरा निर्वाहक है, तीसरा वाणिज्यिक है और चौथा सहकारी कृषि तंत्र। इस प्रकार से ये चारों तंत्र के आधार पर विश्व में कई प्रकार की कृषि पद्धतियां प्रचलित हैं, उनके संदर्भ में उन्होंने बात की है। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित जो प्रथम स्तर है, इस स्तर के अंदर एंडरसन ने कहा कि इसके दो स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। एक तो है चलवासी पशुचारण, जिसको नॉमेडिक हर्डिंग कहते हैं, और दूसरा है स्थानांतरी कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये दोनों बहुत ही आदिम प्रकार के कृषि प्रकार है और सामान्यतया उन क्षेत्रों में जहाँ पर घास के मैदान हैं या जहाँ पर बहुत हार्श कंडीशन है, बहुत कठोर जलवायु, बहुत कठोर भौगोलिक दशाएं हैं, वहाँ पर चलवासी पशुचारण होता है। जहाँ पर पशुओं के लिए उपलब्ध भोजन की आपूर्ति है, वहाँ पर वे चले जाते हैं, अपने पशुओं को चराते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। और दूसरा जो प्रकार है जिसके अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसके बारे में मैंने पहले बताया कि यह भी एक आदिम प्रकार है। अस्थाई रूप से निवास करना, किसी क्षेत्र विशेष के जंगल को साफ करके जलाकर 3-4 वर्षों तक उसकी उपजाऊ क्षमता के अनुसार उसका उपयोग करना, और फिर जब उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है तो वे स्थानांतरित होकर अन्यत्र चले जाते हैं। भारत में इस प्रकार की कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं, जो पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिलती है। सामान्यतया इस प्रकार की कृषि पर्वतीय क्षेत्रों में और घने जंगल या घने वनीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जहाँ पर आदिम जनसंख्या किसी स्थान विशेष पर जंगल को साफ करके और कृषि कार्य करती है। तो इस प्रकार ये पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है, यानी प्राकृतिक रूप से जहाँ पर पशुओं के लिए भोजन उपलब्ध है वहाँ पर वो पशुचारण के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं और कृषि कार्य करते हैं, और जहाँ पर स्थानांतरणशील कृषि है यह भी एक तरह से पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित है। इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार ये दो स्वरूप कृषि के एंडरसन ने बताए। इसके बाद आता है जीवन निर्वाहक तंत्र। जीवन निर्वाहक तंत्र कृषि का एक ऐसा स्वरूप है जो मानव समुदाय यद्यपि स्थायी रूप से किसी स्थान पर निवास करता है, कृषि कार्य करता है, लेकिन यह कृषि का जो प्रकार है वह उसमें बहुत कम पूंजी लगती है, मानव श्रम की अधिकता होती है और भूमि का न्यूनतम उपयोग हो पाता है। ऐसी स्थिति को हम जीवन निर्वाहक तंत्र कह सकते हैं। इसमें इन्होंने 5 प्रकार बताए हैं। प्राचीन स्थानबद्ध कृषि, रूडिमेंट्री सीडेंट्री टिलेज। इसका अभिप्राय यह है कि कोई छोटी बस्ती है, किसी एक स्थान पर उसका विकास हुआ है, उसके आसपास कोई जल क्षेत्र है या कोई नाला है या नदी उपलब्ध है और छोटी कुछ भूमि ऐसी उपलब्ध है जिस पर कृषि कार्य हो सकता है, तो वो प्राचीन स्थानबद्ध कृषि का स्वरूप है। जो इस प्रकार की कृषि जिसके प्रोडक्ट जो है वो अन्य स्थानों पर नहीं भेजे जाते, वहीं पर उसका उपयोग किया जाता है। फिर दूसरा है सघन निर्वाहक कृषि, चावल प्रधान। इसको इंटेंसिव सबसिस्टेंस टिलेज विद राइस डोमिनेंस कहा गया है। ये इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में है विशेष रूप से जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, वर्षा की मात्रा भी ज़्यादा है और मैदानी इलाके हैं नदियों के जो बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सघन निर्वाह कृषि की जाती है, जिसमें खेतों में चावल की लगभग 3 फसलें ली जाती है। और अगर हम इसके वितरण को विश्व संदर्भ में देखें तो ये मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र है जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, नदियों के उपजाऊ मैदान उपस्थित हैं और साथ ही बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र ये रहता है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया,
का अधिकांश भाग जो मानसूनी जलवायु में आता है, वहाँ पर सघन कृषि, विशेष रूप से चावल प्रधान सघन निर्वाहक कृषि देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पर निर्वाहक शब्द आया, इसका अभिप्राय क्या है कि प्रोडक्ट जो है वो पर्याप्त मात्रा में लिया जाता है, लेकिन उसका कंजम्पशन स्थानीय रूप से बहुत ज़्यादा है और इस कारण से वह जीवन निर्वाह कृषि कहलाती है, क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही कम सरप्लस उत्पाद शेष रहता है जिसका व्यापार किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें सघन निर्वाहक कृषि चावल रहित इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टिलेज विदाउट राइस डोमिनेंस। इसको हम ये कह सकते हैं कि यह उन क्षेत्रों से संबंधित है जहाँ पर मैदान है नदियों के और जनसंख्या सघन रूप से निवास करती है, लेकिन वर्षा की मात्रा कम है। ये अर्धशुष्क और लगभग वर्षा यहाँ पर 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। उन स्थानों पर चावल के स्थान पर खाद्यान्नों में गेहूँ अपना प्रमुख स्थान बना लेता है और इस कारण से जनसंख्या के अधिकता होने के कारण यद्यपि गेहूँ और अन्य खाद्यान्न उत्पादन लिए जाते हैं, लेकिन वे एक प्रकार की निर्वाहक कृषि है जो चावल रहित है, उसमें दूसरे खाद्यान्नों का प्रभाव रहता है। भारत के संदर्भ में यदि हम देखें इसे तो मध्य प्रदेश, गुजरात, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सघन निर्वाहक कृषि चावल रहित की जाती है। विश्व के संदर्भ में देखें तो जहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है और गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं, वो भी इसी प्रकार की कृषि के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट है निर्वाहक शस्य एवं पशु फार्मिंग सब्सिस्टेंस क्रॉप एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग। इस बात इसको समझने के लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि कृषि की दशाएं बहुत अधिक उपयुक्त न होने के कारण मानव समुदाय के द्वारा पशुपालन उसके साथ किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में कृषि और पशुपालन इन दोनों का मिश्रित स्वरूप दिखाई देता है जो उनके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। तो संसार में, अफ्रीका में, दक्षिण पूर्वी एशिया के अनेक देशों में इस प्रकार की कृषि होती है जिसमें पशुपालन कृषि का एक अभिन्न अंग है और साथ ही पशुपालन का महत्व कृषि के साथ साथ लगभग बराबर होता है और ऐसे क्षेत्रों में पशुपालन और कृषि जीवन निर्वाहक स्वरूप उसका हमें देखने को मिलता है। यदि इन क्षेत्रों के अंदर कृषि का विकसित स्वरूप हो जाए तो हो सकता है कि पशु उत्पादों को व्यापारिक स्तर पर काम में लिया जा सके और इस प्रकार से जीवन निर्वाहक से ये व्यापारिक स्वरूप धारण कर सकते हैं। सातवां है भूमध्य सागरीय कृषि। इसमें एक प्राच्य शब्द इन्होंने जोड़ दिया है, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर ओरिएंटल। ओरिएंटल से अभिप्राय पूर्वी प्रकार की, पूर्वी प्रकार के मतलब आदिम या ट्रेडिशनल परंपरागत रूप से जो कृषि कार्य होता है। भूमध्य सागरीय कृषि, जैसा कि हम सब जानते हैं, भूमध्य सागर एक विशेष क्षेत्र है। भूमध्य सागर के आसपास फैले हुए देशों में भूमध्य सागरीय कृषि का विकास हुआ है या भूमध्य सागरीय कृषि के क्षेत्र फैले हुए हैं। इसमें स्पेन, इटली, यूगोस्लाविया, एथेंस, यूनान जिसको हम कह सकते हैं, और अफ्रीका के दक्षिण के जो देश हैं जिसके अंदर मोरक्को, ट्यूनीशिया, मिस्र, टर्की और इन लीबिया, इन देशों के जो तटवर्ती भाग है वे सब भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत आते हैं। लेकिन विशेष रूप से यह कृषि पूर्वी यानी टर्की और जो मध्य पूर्वी देश हैं जिसके अंदर इज़राइल, लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान, ये इन देशों के अंदर इस प्रकार की कृषि का स्वरूप देखने को मिलता है। तो प्राच्य कृषि से अभिप्राय ये कि यहाँ पर खाद्यान्नों का उत्पादन होता है और कुछ मात्रा के अंदर रसदार फलों का उत्पादन होता है। तो भूमध्य सागरीय कृषि प्राच्य प्रकार की अभिप्राय जिसका स्वरूप थोड़ा सा आदिम है या परंपरागत रूप से है और वहाँ पर विशेष रूप से खाद्यान्नों में गेहूँ और जौ का उत्पादन लिया जाता है। अब तीसरा तंत्र इन्होंने वाणिज्यिक का बताया है, यानी व्यापारिक दृष्टि से कृषि तंत्रों का विकास किस प्रकार से हुआ है उसके संदर्भ में उन्होंने आठवां स्वरूप बताया, भूमध्य सागरीय कृषि नई दुनिया, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर ए न्यू वर्ल्ड। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर ए न्यू वर्ल्ड से अभिप्राय यह कृषि खाद्यान्नों से
खाद्यान्नों के उत्पादन में भी व्यापारिक स्वरूप रखती है और साथ ही फल उत्पादन में भी, विशेष रूप से रसदार फलों जिसमें जैतून, अंगूर, नारंगी, नाशपति, नींबू वर्गीय फल, इन सब का उत्पादन व्यापारिक स्तर पर किया जाता है और उसका औद्योगिक स्वरूप भी है। तो इस प्रकार की कृषि भी इसी प्रकार के भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों के अंदर मिलता है। उत्तरी अमेरिका में भी जो कैलिफोर्निया की जो घाटी है वहाँ पर इसका स्वरूप देखने को मिलता है। इसी तरह से अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु है, भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में मैंने एक बात पहले भी कही थी आपको कि भूमध्य सागरीय जलवायु की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, शीतकाल में वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है और समुद्री प्रभाव इसके अंदर एक महत्वपूर्ण है जो फल उत्पादन के लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है। तो भूमध्य सागरीय के जो दो स्वरूप है उसमें एक स्वरूप प्राच्य है जिसको हम कह सकते हैं कि परंपरागत रूप की कृषि है और दूसरी जो वाणिज्यिक कृषि है जिसमें औद्योगिक उत्पादन के संदर्भ में फलों का उत्पादन और खाद्यान्नों का उत्पादन लिया जाता है। खाद्यान्नों में गेहूँ और जौ है और फलों में विशेष रूप से अंगूर, जैतून, नारंगी, रसदार फल, तो इनके प्रोसेसिंग से संबंधित उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। अंगूर से शराब बनाने का कार्य बड़े पैमाने पर होता है, इसी प्रकार से जौ से बियर बनाने का काम बड़े पैमाने पर होता है और इन देशों के भूमध्य सागरीय कृषि के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि ये जिन ये देश विकसित दुनिया के हिस्से हैं, इस कारण से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास हुआ है और उनमें ये कृषि उत्पाद कच्चे माल के रूप में काम में लिए जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं वाणिज्यिक तंत्र में अगले चरण पर, तो ये है पशुपालन, लाइव स्टॉक रेंचिंग। अब हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठना चाहिए कि सिर्फ पशुपालन कृषि कार्य कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि जो कृषि कार्य होता है और कृषि के जो उत्पाद हैं वे पशुपालन के लिए ही बनाए हैं, के लिए ही लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का मेखला जो उसके झीलवर्ती प्रदेश के दक्षिण के अंदर पूर्व पश्चिम दिशा में एक लंबाई में एक कटिबंध के रूप में फैला है, वहाँ पर मक्का का उत्पादन लिया जाता है और उस मक्का का उत्पादन, मक्का का उपयोग विशेष रूप से पशु चारे के रूप में किया जाता है, यानी उस पर सुअर पालन होता है, मुर्गी पालन होता है और अन्य पशुओं का पालन होता है और इन पशुओं को ऊन के लिए, इन पशुओं को दूध के लिए और मांस के लिए पाला जाता है। इस प्रकार से पशुपालन तो एक मुख्य उद्योग हो गया और उसकी सहायक क्रियाओं के अंदर वहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। तो कृषि कार्य पशु चारा उत्पादन के लिए, मक्का उत्पादन के लिए और पशु से संबंधित उत्पादों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार वाणिज्यिक जो स्वरूप है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूरोप में भी अधिकांश देशों में इस प्रकार का कार्य होता है। जो उत्तरी यूरोप के देश हैं जिसमें डेनमार्क है, यूएसए क्षमा करें, ब्रिटेन है, हॉलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन है, यहाँ पर कृषि कार्य विशेष रूप से पशुपालन के संदर्भ में देखा जाता है। दसवां इसमें वाणिज्यिक अन्न उत्पादन है, ये कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग से अभिप्राय क्या है कि व्यापारिक स्तर पर खाद्यान्नों का उत्पादन लिया जाता है। इसमें खाद्यान्नों में विशेष रूप से गेहूं का उत्पादन लिया जाता है। नई दुनिया के देशों में हम उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, तो उत्तरी अमेरिका में कनाडा, यूएसए, ये दो बड़े ऐसे देश हैं जो व्यापारिक स्तर पर गेहूं का उत्पादन करते हैं। इनके मध्यवर्ती भाग जिसमें प्रेरीज और प्रेरीज जो घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान, वहाँ पर बड़ी मात्रा में गेहूं का उत्पादन लिया जाता है। दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना एक बड़ा देश है जो कि पंपास यहाँ के जो घास के मैदान हैं उन, ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं जो, इनमें गेहूं का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में लिया जाता है। फिर इसके अलावा जो तीसरा स्वरूप है वो है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वेल्स और डाउन्स, ये शीतोष्ण घास के मैदान है और इन मैदानों में व्यापारिक स्तर पर गेहूं का उत्पादन लिया जाता है। इसकी जो विशेषता है उसमें हम ये बात जोड़ सकते हैं कि ये नई दुनिया के देश हैं जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम होने के कारण और विस्तृत कृषि
गेहूं की की जाती है। इस कारण से व्यापारिक स्तर पर बहुत सरप्लस के रूप में गेहूं उपलब्ध रहता है और इस कारण से ये व्यापारिक रूप से अन्न उत्पादक क्षेत्र बन गए हैं। इसके बाद 11वां इन्होंने बताया, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक एंड क्रॉप फार्मिंग, वाणिज्यिक पशुपालन एवं शस्य उत्पादन, इसमें दोनों चीज़ों को समान रूप से स्थान मिला है कि कॉमर्शियल पशुपालन भी है और शस्य उत्पादन यानी क्रॉप फार्मिंग भी है। क्रॉप्स को भी व्यापारिक स्तर पर पैदा किया जाता है और पशुपालन भी वाणिज्यिक स्तर पर यानी व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। इस प्रकार की नई दुनिया के देशों में जहाँ पर पशुपालन और क्रॉप को दोनों को लिया जाता है, इस प्रकार का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। विशेष रूप से कनाडा, USA, मेक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के देश, उनमें इस प्रकार का, और ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में यह स्वरूप हमें देखने को मिलता है। वाणिज्यिक डेयरी फार्मिंग, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग, पशुपालन के संदर्भ में जब हमने वाणिज्यिक स्वरूप उसका देखा है, तो यहाँ पर यह पशुपालन जो है वो दूध उत्पाद से संबंधित है, यानी जहाँ पर गाय का पालन किया जाता है और गाय का पालन उसके दूध के लिए किया जाता है, इस प्रकार की जो वाणिज्यिक डेयरी फार्मिंग है वो भी स्वरूप देशों के अंदर, कई देशों के अंदर विकसित है। प्रारंभ में जैसा कि हम जानते हैं कि डेयरी उत्पादों में सर्वप्रथम स्थान डेनमार्क का था, जो बहुत बड़ी मात्रा में दूध का उत्पादन करते थे, दूध से बनी हुई वस्तुओं का उत्पादन करते थे। तो इसमें दूध और दूध से बनी हुई वस्तुओं के उत्पादन, आइसक्रीम बनाना, पनीर बनाना, मक्खन तैयार करना, ये बड़े कार्य होते थे जो अभी भी इस प्रकार के कार्य होते हैं। तो इस तरह के कार्यों में USA, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सभी देश वाणिज्यिक डेयरी फार्मिंग से संबंधित है। फिर आता है विशेषीकृत फलोत्पादन एवं सब्जी उत्पादन, स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर एंड ऑलेरिकल्चर, ये सब्जी उत्पादन और फलोत्पादन दोनों का जो ये स्वरूप है, ये है नगरीय जनसंख्या से संबंधित है। विशेष रूप से नगरों के आसपास की जो कृषि भूमि है वहाँ पर सब्जी उत्पादन का काम बहुत विशिष्ट स्तर पर किया जाता है। इसी के साथ साथ जो कृषि भूमि है वो फलोत्पादन के बागानों में परिवर्तित हो गई है। तो फलों का उत्पादन और सब्जी का उत्पादन नगरीय सभ्यता के विकास के साथ साथ नगरों के आसपास के क्षेत्रों में होने वाली कृषि है, जिसे हम ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। और इस तरह की कृषि में परिवहन का बहुत अधिक महत्व है। परिवहन साधनों के विकसित स्वरूप में ही इस प्रकार की कृषि की जा सकती है। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल फसलें, औद्योगिक फसलें या इंडस्ट्रियल क्रॉप्स, औद्योगिक फसलें, ये इस प्रकार की कृषि है जिसमें औद्योगिक उत्पादन के लिए ही, उद्योगों को कच्चा माल की आपूर्ति के लिए ही इस प्रकार के कृषि कार्य किया जाता है। जैसे गन्ना उत्पादन, कपास उत्पादन या तिलहनों का उत्पादन या गेहूँ का उत्पादन, जिसका उपयोग फूड प्रोसेसिंग से संबंधित कार्यों में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये फसलें भी पूरे विश्व के अंदर अनेक स्थानों पर इस प्रकार का स्वरूप देखने को मिलता है। अंत में इन्होंने एक समूह बताया, सामूहिक तंत्र, सामूहिक कृषि, कलेक्टिव फार्मिंग, ये कृषि का एक ऐसा प्रकार है जिसमें सरकारें या जिसमें प्रशासन जो है वह भूमि का अधिग्रहण कर लेता है और उस पर पूरे मानव समुदाय को कृषक के रूप में वहाँ पर उसकी भागीदारी सिद्ध करने के लिए कि आप सभी की ये भूमि है और आप इस पर काम करें। विशेष रूप से रूस की जो साम्यवादी सरकार है उसमें, समाजवादी सरकारों में इस प्रकार का एक प्रयोग किया गया है जो बहुत अधिक सफल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सामूहिक कृषि का स्वरूप विश्व के अंदर देखने को मिलता है, विशेष रूप से समाजवादी और साम्यवादी देशों में। चीन में इस प्रकार का स्वरूप देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ही रूस में भी कई स्थानों पर इस प्रकार की कृषि का विकास हुआ है। इसके बाद एक और ग्रुप इसमें इन्होंने बताया, नगदी फसल तंत्र, वाणिज्यिक बागाती कृषि, इसको कमर्शियल प्लांटेशन टिलेज कहा गया है। इसके संदर्भ में हम इसके इतिहास को यदि देखें तो हम पाएंगे कि यूरोपीय देशों, विशेष रूप से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इनके जो उपनिवेश थे, उन उपनिवेशों में दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका के तटवर्ती भागों के देश, दक्षिणी भारत, भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश, इनमें
जो जिस प्रकार की जलवायु और भौगोलिक दशाएं थी वहाँ पर इन्होंने चाय के बागान, रबर के बागान, मसालों के बागान, कहवा के बागान विकसित किए और बहुत बड़ी मात्रा में उन बागानों को वाणिज्यिक स्तर पर विकसित किया। और यही कृषि आज प्लांटेशन एग्रीकल्चर के रूप में विख्यात है। इनमें फलों के साथ साथ नगदी फसलों विशेष रूप से रबर, कॉफ़ी, चाय, कहवा आदि का उत्पादन लिया जाता है। इस प्रकार से ये जो पांच स्वरूप कृषि के देखने को मिले हैं, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार, निर्वाह के अनुसार, वाणिज्यिक और सहकारी तंत्र के अनुसार विभिन्न प्रकार की कृषियों को हमने देखने का प्रयास किया। तो इस प्रकार की जो कृषि है उससे हमें यह स्पष्ट होता है कि विश्व में कृषि के कितने स्वरूप हैं और उन स्वरूपों के आधार पर हम कृषि प्रदेशों में विश्व को बांट सकते हैं। मेरा ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।